नमस्ते दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन करी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल ननद भाभी की रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। चिकन करी बनाने के लिए सबसे पहले मैं मसाले को पीस लूँगी। यहाँ पर मैंने 2 पोटली लहसुन छीला हुआ है, 8 से 10 हरी मिर्च, 1 चम्मच खड़ा गरम मसाला और 3 से 4 सूखी लाल मिर्च, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे बारीक मैंने काट लिया है। यहाँ पे मैंने जार लिया है, इसी में मैं मसाले को पीस लूँगी। तड़के के लिए मैंने बारीक कटा हुआ प्याज लिया है 400 ग्राम, 2 तेज़पत्ता और 2 सूखी लाल मिर्च। आप चाहे तो प्याज को कद्दूकस करके भी इसमें डाल सकती हैं। अब मैं जार में मसाले को डालकर पीस लूँगी। मैं एक एक करके सारे मसाले को जार में डालूँगी। अगर आपको तीखा खाना पसंद नहीं है तो आप यहाँ मिर्ची की संख्या कम भी कर सकती हैं। यहाँ मैं लहसुन को पीस ले रही हूँ, आप चाहे तो खड़ा लहसुन भी करी में इस्तेमाल कर सकती हैं। सारे मसाले मैंने जार में डाल दिए हैं। अब मैं जार में थोड़ा सा पानी डालूंगी और उसे पीस लूंगी। मसाला पीस के तैयार हो चुका है, अब मैं इसे एक कटोरी में निकाल लूंगी। मैंने मसाले को ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है, मसाले को थोड़ा दरदरा ही रहने दें, जिससे कि मसाले का टेस्ट करी में बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे कुछ मसाले जार में लगे हुए हैं, इसलिए मैं जार में थोड़ा सा पानी डालूंगी और उसे अच्छे से मिला लूंगी। मिलाने के बाद मैं उसे कटोरी में वापस डाल दूंगी। आज मैं चिकन को कुकर में बनाने जा रही हूँ। आप चाहे तो चिकन करी को भगोने या कढ़ाई में भी बना सकती हैं। यहाँ पे मैंने पहले से चूल्हा जलाया हुआ है, अब मैं चूल्हे के ऊपर कुकर को रख दूंगी। कुकर में थोड़ा पानी है, मैं उसे सूखने दूंगी। सूखने के बाद मैं उसमें तेल डालूंगी। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो किसी भी तेल में इसको बना सकती हैं। अब मैं इसमें आवश्यकता अनुसार तेल डालूंगी, तेल को गर्म होने दूंगी। तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें सूखी लाल मिर्च और तेजपत्ता डालूंगी। ये थोड़ा भुन चुका है, अब मैं इसमें बारीक कटी हुई प्याज को डालूंगी और उसे सुनहरा होने तक भूनूंगी। ये देखिए, प्याज पक के हल्के सुनहरे रंग का हो चुका है। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। नमक डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिला लूंगी। चिकन में विटामिन B12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। नमक अच्छे से मिल चुका है, अब मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगी। नमक और पानी डालने से प्याज जल्दी गल जाता है। अब मैं इसे 5 मिनट तक और भून लूंगी, जिससे कि पानी अच्छे से सूख जाए। यहाँ पे मैंने 1 केजी चिकन लिया हुआ है, जिसे पहले से ही धुलकर अच्छे से साफ कर लिया है। अब मैं इसमें चिकन को डालूंगी। चिकन थोड़ा पानी छोड़ता है, इसलिए मैं इसे डालने के बाद इसे थोड़ी देर और भूनूंगी। और पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए, 5 मिनट तक भूनने से इसका कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें पिसे हुए मसाले को डालूंगी।
आप चिकन को कई तरीके से भी बना सकती हैं। मसाला डालने के बाद मैं एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी, आधा छोटा चम्मच मीट मसाला डालूंगी और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। इन सभी को डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगी और उसे अच्छे से मिला लूंगी। ये अच्छे से मिल चुका है, अब मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। मसाले को हमें तब तक पकाना है जब तक कि वह तेल न छोड़ने लगे। चूल्हे में हम बीच बीच में लकड़ी भी डालते रहेंगे जिससे कि आंच धीमा ना हो और चिकन अच्छे से पक जाए। ये देखिए मसाला भून के तैयार हो चुका है और वह तेल भी छोड़ने लगा है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। यहाँ पे मैंने एक लोटा यानी कि 1.5 गिलास पानी इस्तेमाल किया है। पानी डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिला लूंगी। नमक मैंने पहले ही इसमें डाला हुआ है इसलिए अब मैं इसमें दोबारा नमक नहीं डालूंगी। अब मैं इसे ढक दूंगी। मैं चिकन करी को सीटी लगा के नहीं पकाऊंगी। बीच बीच में मैं इसे मिलाती रहूंगी। अब मैं इसे कुछ देर थोड़ा और पका लूंगी। ये देखिए चिकन करी पक के तैयार हो चुकी है। जैसा आप सामने देख रहे हैं कि हड्डी मांस छोड़ चुका है, तो चलिए अब मैं चूल्हे से इसे नीचे उतार लेती हूँ। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए चिकन करी आप रोटी, चावल या फिर पुलाव से भी खा सकती हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा।